हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दानियाल सुहेल एंड यू आर वॉचिंग प्रोग्राम स्ट्रीट फूड। और आज हम फैसलाबाद में ही मौजूद हैं। यहाँ के खाबे शाबे जो हैं वो हम खा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि फैसलाबादी जो हैं वो किस तरह के खाने जो हैं वो खाने पसंद करते हैं। और मुझे यहाँ पर फूड एक्सप्लोर करते हुए एक ऐसी रेड़ी मिली है जहाँ पर वो कई सालों से नान टिक्की जो है वो तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। और यहाँ पर दोपहर का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा रश है, लोग जो हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर नान टिक्की जो है वो खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी टेस्ट करते हैं और आपको भी बताते हैं कि ये फूड पॉइंट यहाँ पर कितनी देर से है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये पीपल्स कॉलोनी 2 है फैसलाबाद में, और हमारे बिल्कुल बैक पे जो है वो पहाड़ी ग्राउंड है, और इसके बिल्कुल सामने जो है इन्होंने रेड़ी पे जो है वो टिक्कियाँ लगाई हुई हैं, और यहाँ पर ही लोग आते हैं, बैठते हैं और फूड जो है वो खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो ये नान टिक्की तैयार की जा रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें डलती हैं, किस तरह से बनती है, और लोगों से जानते हैं कि उन्हें यहाँ की नान टिक्की क्यों पसंद है। तो आज मेरे साथ जी, तो यहाँ पर जो है वो टिक्कियाँ तैयार की जा रही हैं, सालन तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पर फुल जो है ना वो माहौल बना हुआ है और लोग जो हैं खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात भी करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या किस तरह से जो है वो सालन बनता है, क्या क्या चीज़ें डलते हैं, इनसे भी जानते हैं क्या क्या मसाले जो हैं वो इसमें डाले जाते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि कौन सा सालन जो है वो भी यहाँ पर आप तैयार करने लगे? मैं अभी आपके सामने भी करता हूँ जी। सालन जो है हमारे सामने, वाह जी वाह, प्याज जो है वो आ गया है, सही। इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी? प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च। इसका नाम क्या रखा हुआ है? जो नाम अंडा ऑमलेट रखा है। नाम क्या? अंडा ऑमलेट। अंडा ऑमलेट, ठीक हो गया। अंडा ऑमलेट जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, लोग टिक्कियाँ भी खा रहे हैं, साथ जो इनका सालन एक अंडा ऑमलेट जो है वो स्पेशल किस्म का यहाँ पर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्याज जो है वो पहले डाला है, और वाजी वाह, ऊपर सब्ज मिर्चें आ गई हैं, और आप खुद सोचें कि जब ऑमलेट में सब्ज मिर्चें होती है ना तो क्या ही मज़ा आता है खाने का। और ये अब कुछ नमक है इन्होंने डाला है, इसमें नमक डालने लगा, सही है सही है। यहाँ पर ना काफ़ी रश है, ये एक रेडी पे जो है इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और लोग जो है वो आ रहे हैं, खा रहे हैं, और ये जो है लाल मिर्च जो है इन्होंने ऐड कर दी है, और यहाँ पर सालन अपना मसाला होता है इसमें। अच्छा, डालते हैं। ये कोई मसालों से मिलके बनाया हुआ है? हाँ जी, हम खुद। कौन कौन से मसाले हैं इसमें? इसमें काली मिर्च, जीरा वगैरह होता है, सही सही। और ये घी इन्होंने डाला है, और अब इसको जो है यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, और खुशबू मसालों की जो आ रही है ना वो बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर जो माहौल है ना, सारे पैसे बता के उसी के हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, आपके सामने जो है वो कुकिंग की जाती है, आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, सफाई का भी जो है वो ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि मसाले वगैरह सामने बनता है तो आपको पता है क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसमें डली हैं। अच्छा, अब इसमें क्या और चीज़ डलेगी? इसमें अंडे डलेंगे हम। अच्छा, अभी इसको ज़रा थोड़ा सा ब्राउन किया जाएगा, फिर इसमें अंडे डाले जाएंगे। जितने भी ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में, हमें हर जगह जो है उसका अलग जायका जो मिलता है वो हमें ज़रूर ट्राई करने चाहिए, खाने चाहिए। और इन्होंने अंडे जो है ना वो ऊपर डाल दिए, अब आप देखें जी, तो ये बहुत ही हैवी किस्म का सीन जो है यहाँ पर ऑन है, ये अंडे जो हैं वो डाल रहे हैं इसके ऊपर। कितने अंडे जो हैं वो जाएंगे? सात अंडे डाले जाएंगे। और कितनी प्लेटें जो हैं वो इससे तैयार होंगी? सेवन। सात? अच्छा, एक अंडे के लिए एक प्लेट जो है वो है, और अभी अंडे जो हैं वो डाल रहे हैं। और इसकी प्राइस कितने में मिल जाता है? 110 रुपए में मिल जाता है। 110 रुपए में? अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पर कितना अर्सा जो है वो आपको हो गया? हमें भाई 32 साल हो गया। 32 साल इसी रेडी पर जो है? इसी रेडी पे। हाँ जी। किसने शुरू किया था ये? बड़े भाई ने। बड़े भाई ने शुरू किया था, सही सही। तो अब शुरू में एक रेडी थी, अब आपकी मैंने देखा है कि एक और भी है। पहले एक थी, रस की कवर नहीं होता था, इसलिए दूसरी थी। सही 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 सही। मतलब कि इन्होंने जो है ग्रेडी जो है ना उसको एक्सपेंड किया, जब इंसान मेहनत करता है कोई चीज़ जो है वो मज़ेदार किस्म की जायका जो है उसमें मौजूद हो तो लोग ज़रूर खाते हैं। और इस तरह की जो फूड पॉइंट है जो छोटे छोटे हैं ना, वहाँ पर जाके हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, खाना चाहिए, और मैं तो इसे जो है ज़रूर ट्राई करूँगा। अच्छा, ये टिक्की वाला जो है मटेरियल वही आपने इसमें डाला? हाँ जी, वो। अच्छा, इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं? इसमें लाल मिर्च डलती है, अदरक, हरी मिर्च,
सही, और आलू डलता है, दाल डलती है। सही सही सही। हाँ जी, सारी चीज़ें जो हैं उसमें डाल के यहाँ पर जो है उसको मिक्स किया जा रहा है अच्छी तरह से, और काफ़ी ये मतलब टकाटक वाला जो एक सीन होता है ना, वो टक टक करके उसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स किया जा रहा है। प्याज जो है उसके भी छोटे छोटे जो हैं वो पीसीज हो जाएंगे, और वाह जी वाह क्या कहने हैं। आप देखें कि क्या जो है ना उसकी लुक निकल आई है, और यहाँ पर लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा है, और लोग जो है ना अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो सालन तैयार हो और हम खाएँ। तो मेरे ख्याल से हम भी जो है ना इसको खाते हैं अभी, और फिर देखते हैं कि ये कैसा है। अच्छा, ये जो प्लेट है हमें 110 रुपये में मिल जाएगी। हाँ जी। और जो टिक्की है वो किस तरह है? वो 25 की एक, 25 की एक टिक्की मिल जाएगी, और 10 रुपये का नान है। अच्छा, नान जो है वो आप पहले ही लाते हैं घर से? हाँ जी, पहले लाते हैं, बिल्कुल तंदूर से लाते हैं, तंदूर से नान पहले ही लाए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फैसलाबाद में कोई ब्रांच वगैरह? नहीं नहीं, हमारी तो यही ब्रांच है बस यहाँ पर ही। बिल्कुल सही सही। तो काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर, लोग जो है ना पार्क के बाहर ही स्टूल्स वगैरह पर बैठ के जो है वो खा रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और भी 2-3 पॉइंट्स जो है वो लग चुके हैं। अच्छा, शुरू में भी यहाँ पर और पॉइंट शुरू में भी यहाँ पर थे या अभी शुरू? नहीं, हम सबसे पहले हम ही थे। अच्छा, उसके बाद सब आए। सबसे पहले हमने शुरू किया। सही सही। अच्छा, जो चटनी है ये आम पुदीने की चटनी जो है? पुदीने की। हाँ जी बिल्कुल, इसके साथ ही जाती है। वो उसके पैसे नहीं लेते। मसाला जो है ना वो फुल जो है यहाँ पर उठना शुरू हो चुका है, और मसाले की खुशबू जो है वो आ रही है, और मुझे खांसी भी आने लग गई है। तो मेरे ख्याल से हम चलते हैं, अब ये तैयार हो रहा है, उसके बाद इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बनाने का तरीका तो हमने आपको बता दिया कि बहुत ही मज़ेदार है। तो आए टिक्की भी ट्राई करते हैं, और ये अंडा ऑमलेट जो है इन्होंने एक सालन से तैयार किया है ये भी ट्राई करते हैं, और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो आ जाए, मुझे बताएं कि कितना अर्सा जो है वो हो गया आपको यहाँ से नान टिक्की खाते हुए, और क्या खास बात है इनकी नान टिक्की? सर, खास बात इनकी यही है कि बेसिकली मुझे स्कूल लेवल से इनसे नान टिक्की खा रहा हूँ। इनका जो लेवल है वो सालन का बहुत लेवल है, जो अभी आप देख रहे हैं सामने सालन बन रहा है। इसमें स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पर और कोई बना ही नहीं सकता इस लेवल का सालन। और जो इनकी टिक्की की बात है, वो बेसिकली इनका जो नेचुरल सिस्टम है, मसाला जाते हैं ये खुद के तैयार करते हैं। इसका टेस्ट क्योंकि बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कम पैसों में एक अच्छा टेस्ट जो है वो एंजॉय करते हैं। मेरा ना इस टाइम यूनिवर्सिटी में दूसरा सेमेस्टर है, और तो मेरा रोज़ यहाँ से ना गुजर होता है, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं यहाँ से ही खाऊं। मतलब कि यहाँ इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से ना मैं यहाँ से खाना ना पसंद करता हूँ। और जैसे कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और मैंने 3 नान खा चुका हूँ, और चौथा नान खाने की मेरी दोबारा तैयारी है। जी, मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया खाते हुए, हम छोटे छोटे थे तब से ये खा रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और मतलब जब भी हमने नांडी खानी हो ना, तो नांडी की बिशारत की है, इधर ही आते हैं हम। यार, एक नांडी की और एक सालन ला दो जी। तो अभी जो है वो नान टिक्की और सालन आता है, तो हम खाते हैं, ट्राई करते हैं कि उसका टेस्ट किस तरह का है। और अभी लोगों से बात की तो लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, और लोगों का ये कहना है कि कई सालों से वो यहाँ पर आ रहे हैं, और इनकी नान टिक्की और इनका जो सालन है वो बता रहे हैं खा रहे हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने हमें बताया कि इनकी जो वालदा है वो घर में तैयार करती है, घर में तैयार करने के बाद यहाँ पर लाया जाता है, और तकरीबन 30 से 35 साल जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। और इन्होंने एक रेड़ी से ही स्टार्ट किया था, इनके बड़े भाई ने, और अभी भी यहाँ पर ही रेड़ी पर जो है इन्होंने अपना काम एक्सपेंड कर लिया, एक साथ एक और रेड़ी लगा ली, और दोनों रेड़ियों पर आप देखें तो बहुत रश है। इसी तरह पार्क के बाहर लोग बैठे हुए हैं, जहाँ अब हम बैठे हैं, और पीछे आप पार्क भी देख सकते हैं, पीपल्स कॉलोनी 2 का ये एरिया है, और पहाड़ी ग्राउंड इसे कहते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है वो हमारी नान टिक्की और हमारा जो सालन, एक अंडा ऑमलेट जो इन्होंने तैयार किया वो खाते हैं, उसे देखते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि वो कैसे है। मैं भी ज़रा इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आए और उसको खाएं, और फिर देखें कि लोगों को क्यों पसंद आ रहा है इतना ज़्यादा। बल्कि जो है हमारा आ ही गया है, और ये हमारी नान टिक्की और ये सालन है। यार, साथ रायता वगैरह नहीं है? अच्छा, है रायता वगैरह भी है, वो भी आ रहा है साथ में। ये प्याज और रायता भी देते हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि अभी कुछ लोगों को दे रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई साथ में कुछ है या नहीं। नान जो है ये पहले ही बनाकर तंदूर से लाते हैं, और वैसे इतने ठंडे नहीं है, गर्म ही है शायद, मेरे ख्याल से उसको पानी लगा कर ना ये दोबारा से गर्म कर लेते हैं। और नान पतले भी हैं शायद, इसीलिए कि अगर काफ़ी देर पड़े रहेंगे तो वो सख्त हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हम जो है वो सालन जो है वो ट्राई करते हैं, और ये हमारा रायता और प्याज जो है वो भी आ गया। तो पहले जो हम इनका अंडा ऑमलेट सालन है ना, हम वो ट्राई करते हैं, और हम्म,
बहुत मज़े का है। मसाले वगैरह जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और इसमें जो अंडा और सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो एक अपना अलग ही मज़ा जो है ना वो दे रही है। तो हम ज़रा एक और बाइट जो है वो लेते हैं, और यहाँ पर ये रायता, और ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो हम प्याज लगाते हैं। ये प्याज भी आ गया, मज़ा बहुत ही मज़े का। मतलब कि आप ये सारे ना के यहाँ पर 110 रुपए में जो है वो इजीली खा सकते हैं। बशारत टेस्टी पॉइंट इनका नाम है, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और ये जो है टिक्की जो है वो भी हम साथ में टेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर टिक्की जो है ना वो खाते हुए मुझे ना वो स्कूल के दिन याद आ गए हैं कि स्कूल में जो है वो हम नान टिक्की खाया करते थे, और स्कूलों से ही जो है वो नान टिक्की जो है वो मिलती थी, अच्छी होती थी बहुत। बहुत ही मज़े की। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर नान और टिक्की जो है वो आपको 35 रुपये में मिल जाएगी, आप इसको खा सकते हैं। 35 रुपये में नान टिक्की इंजॉय कर सकते हैं। 110 रुपये में आपको जो है वो अंडा ऑमलेट का सालन मिल जाता है, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग अगर फैसलाबाद से हैं, यहाँ पर आएँ, इसे टेस्ट करें, खाएं, और इस तरह के जितने भी फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लजीज़ किस्म के जो हैं वो डिशेस तैयार करते हैं। और आपने खुद देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो रोड के ऊपर जो है एक रेडी पर किस तरह से वो अंडे, प्याज और सारी चीज़ें डालकर इसे बना रहे हैं। बहुत ही मज़े का, मैं इसे खा रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलेंगे, एक और फूड पॉइंट डिस्कवर करेंगे, वो कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कुछ सरप्राइज भी रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसे अभी खाते हैं और आपसे दूसरे फूड पॉइंट पर मुलाकात करते हैं। अब हम पहुंचे हैं फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग में, और यहां पर किसी ने कहा है कि चाय मिलती है जो कि बहुत ही मजे की। गेट कैफ़े को चाय का ब्रांड कहा जाए फैसलाबाद का, तो इसमें कुछ बुरा नहीं होगा, बहुत ही मज़ेदार लजीज चाय है। जी, तो बशारत की नान टिक्की खाने के बाद जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज थी, अब हम पहुंचे हैं फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग में, और यहाँ पर किसी ने कहा है कि चाय मिलती है जो कि बहुत ही मज़े की। और यहाँ पर आकर हम देखकर हैरान हो गए कि यहाँ पे रश जो है वो बहुत ज़्यादा है, और लोग जो है वो चाय जो है काफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि चाय किस तरह से तैयार की जाती है और चाय में ऐसी क्या खास बात है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो नेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ गेट कैफे के नाम से ये चाय स्पॉट मौजूद है। तो आइए चाय पीते हैं और जानते हैं कि चाय किस तरह से बनती है। जी, तो यहाँ पर चाय जो है वो तैयार की जा रही है, और लोगों का रश जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोग चाय काफ़ी ज़्यादा यहाँ की पसंद करते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे साथ साजिद साहब मौजूद हैं, जो तकरीबन कई सालों से यहाँ पर चाय बना रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि चाय में ऐसी क्या चीज़ डाली जाती है कि लोगों को इनकी चाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा साजिद साहब, सबसे पहले तो बताएं चाय किस तरह से तैयार करते हैं, क्या चीज़ डालते हैं कि लोगों को यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय हमारा दूध बहुत अच्छा होता है और हम इसकी पकाई बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से गाय ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, कितनी देर पकाई करते हैं दूध की? दूध जब चाय बनाते हैं कम से कम 7-8 मिनट पकाते हैं, 10 मिनट ही पका देते हैं, फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। सही। उसके अलावा दूध में क्रीम वगैरह भी डालते हैं? नहीं, क्रीम नहीं, इलायची छोटी होती है, शक्कर वाली होती है, चीनी वाली होती है। सही, ये तीन तरह की जो है चाय। चॉकलेट चाय भी होती है। चॉकलेट चाय वो भी होती है। सही सही। लोग जो है कौन सी चाय ज़्यादा पसंद करते हैं? लोग ज़्यादा गुड़ वाली पसंद करते हैं। गुड़ वाली चाय जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा, दूध जो है वो अपना खुद ही मंगवाते हैं? हमारा दूध गोजरे से आता है, फार्म से। अच्छा, हाँ जी। तो ये दुकान जो है कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए, और जब ये दुकान शुरू हुई थी ये तब से यहाँ पर मौजूद है, चाय बना रहे हैं। इन्होंने आगाज इस शॉप का एक दुकान से किया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पसंद आई, रश बढ़ता गया, तो 2 से 3 दुकानें हो गई। अच्छा, मुझे बताएं कि एक कप चाय का जो है वो कितने का है?
जो चीनी वाली वो 50 रुपए का है, गुड़ वाली 60 रुपए का है, आपका जो होता है डिस्पोजेबल है 40 रुपए का है, 70 रुपए का है। सही, तो यहाँ पर लोग पैक करा के भी लेके जाते हैं? पैक ज्यादा होती है, सही, इधर भी बहुत पीते हैं। सही, तो कितना जो है दूध रोजाना लग जाता है चाय में? दूध हमारा 14-15 मन माशाल्लाह लग जाता है। माशाल्लाह 14-15 मन जो इनका दूध है वो रोजाना चाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लोग यहाँ की चाय बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, रश भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ के जो ऑनर है उनसे भी हम बात करते हैं और यहाँ पर जो लोग चाय पी रहे हैं उनसे जानते हैं कि इनकी चाय में क्या खास बात है, यहाँ की चाय क्यों पीते हैं। तो आइए मेरे साथ, अभी शाम का वक्त है, रात में सोचे यहाँ कितना रश होगा, तो आए बाहर चलते हैं, चाय खुद भी पीते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। जी, तो हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं जो यहाँ के ओनर भी, आइए उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर कितना अरसा जो है वो आपको हो गया है चाय का काम करते हुए? ये 6 साल हो गए यहाँ पे, और जो मेन ओनर है इनके वो बहीर भाई हैं, जिनके आपके बड़े भाई हैं, ठीक है, उनको मेहनत का नतीजा ये सारा। और उन्होंने मेन ब्रांच जो हमारी थी वो गेटों से स्टार्ट लिया, सलीमी चौक अपने के साथ जो गेटों वाला चौक, वहाँ से हमारी वो एक मेन ब्रांच जो रेल बाजार में है, उसके बाद हमने यहाँ पे शुरू किया। अच्छा, वहाँ पर काम करते हुए कितना टाइम हो गया? वो वहाँ पे हमारे 25-30 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए। 25-30 साल से जो है वो चाय का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी दुकान है या कोई? वहाँ पर भी दुकान है, दुकान है रेल। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपने शुरू किस तरह से किया? एक दुकान थी और अब माशाल्लाह 3 दुकानें जो है वो बन चुकी है। लोग इतनी ज्यादा चाय पसंद कर रहे हैं, क्या खास बात है ऐसा चाय में? क्या ऐसे है कि दूध पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चाय है जो लोग? हमारी गुड़ वाली जो चाय है ना वो हमारी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। सही सही। अच्छा, वैसे देखा जाता है कि आमतौर पे चाय की दुकानें जो है वहाँ पे रात में रश होता है, यहाँ पर तो इस टाइम भी रश है? तो माशाल्लाह रात में जो हमारा इससे ज्यादा रश होता है। सही हो गया जी। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि चाय जो है इस काम में इन्हें तकरीबन 30-40 साल हो चुके हैं और लोगों को यहाँ की चाय काफी ज्यादा पसंद आ रही है, काफी ज्यादा रश है। आइए लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ की चाय क्यों पसंद है, फिर खुद भी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि चाय कैसी है। तो आइए मेरे साथ। जी, मुझे बताएं कि इनकी चाय जो है वो आप कब से पी रहे हैं और इनकी चाय में ऐसी क्या चीज है कि यहाँ पर रश देख रहे हैं, लोग काफी ज्यादा इसे पसंद कर रहे हैं? असल मैंने काफ़ी अच्छे तरह से हम चाय पीते हैं और चाय की खास बात ये है कि खालस दूध है इनका, और सबसे जो हट के बात है, आम तो चीनी वाली हम पीते हैं, हर जगह से मिलती है, ये शक्कर वाली चाय है, बहुत मज़ेदार चाय है, हर सब जगह से ना हट के इनका टेस्ट है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, दूर दराज से सिर्फ यहाँ जस्ट चाय पीने के लिए आते हैं यहाँ से। देखिए, खास बात तो इसमें बहुत अच्छी बना रहे हैं ये, माशाल्लाह टेस्ट भी इनका बहुत प्यारा है, मैं 3-4 दफ़ा पी के गया हूँ, लेकिन अब 2-3 दफ़ा इधर से आस पास से भी पी हैं, लेकिन उनका कोई टेस्ट नहीं आ रहा, तो 2-3 दफ़ा पी के गया हूँ, तो आप भी इधर से गुजर रहे थे तो पता चला इधर चाय वाला ये पास ही है, तो फिर हम इधर फिर आगे बैठ के चाय पीने के लिए, तो काफ़ी टाइम से पी रहे हैं, लेकिन चाय इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मेहार अच्छा है, सफाई है इनमें, बहुत अच्छी बनाते हैं चाय। मुझे खाली में 3-4 साल हो गए हैं, मैं बेसिकली तो गाड़ा का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो 3-4 साल से मैं इनकी चाय पी रहा हूँ, मैंने बाकी भी टेस्ट की है, जो टेस्ट इनका है ना वो किसी में नहीं है। मैं यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तकरीबन 3-4 साल से इधर से मैं लगातार चाय पी रहा हूँ और रोज़ाना इधर से चाय पीता हूँ। अगर गेट कैफ़े को चाय का ब्रांड कहा जाए फैसलाबाद का, तो इसमें कुछ बुरा नहीं होगा, बहुत ही मज़ेदार लजीज चाय है। मैं इनकी चाय बहुत अच्छी होती है, इनकी चाय का टेस्ट जो है ना दूसरे कैफे से मुख्तलफ है, और ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तकरीबन मैं हर साल 2-3 साल से इधर आता हूँ, और सर्दियों में तो तकरीबन रोज़ाना ही तकरीबन आते हैं, आराम के साथ इन्जॉय करते हैं, चाय सर्दी का मौसम होता है इसलिए हम जहाँ से चाय पीते हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इन्जॉय करते हैं सब। खालस दूध की अच्छी होती है इनकी चाय, मिलावट नहीं होती इसमें, मज़ा आता है पीने का। मतलब मैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, मैं फैसलाबाद जब भी आता हूँ, मेरे नानों का घर है, इनकी चाय मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सालों से पी रहा हूँ, 3 साल हो गए, मैं छोटा था तब, मुझे इनकी शक्कर वाली चाय बहुत पसंद है। जी, तो यहाँ पर चाय जो है वो आ चुकी है, और चाय गेट कैफे की किस तरह की है, लोगों को क्यों पसंद आती है, आइए पीते हैं और देखते हैं और आपको बताते हैं कि चाय कैसी है। बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरी लैंग्वेज जो है ना वो जल रही है क्योंकि चाय वाकई गर्म है और टेस्ट भी एक डिफरेंट सा है जितना अभी तक मैंने फील किया है।
काफ़ी मज़े की और डिफरेंट टेस्ट है इसमें जो है। उन्होंने शक्कर डाली है और उसके बाद इलायची जो है वो डाली है और स्पेशल जो है ना वो एक फील हमें जो है वो शक्कर की भी आ रही है और पता चल रहा है कि दूध जिस दूध से इस चाय को बनाया गया वो काफ़ी खालिस है और शायद इसी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। बहुत मज़े की और सर्दी का मौसम है और सर्दी में तो चाय पीने का तो एक अपना अलग ही मज़ा है। बहुत मज़े की और शक्कर वाली चाय तो मैं कहता हूँ कि लाजवाब है। और अभी यहाँ पर लोगों से बात की, किसी बंदे ने क्या सही कहा कि यार यहाँ का जो गेट कैफ़े है ना वो फैसलाबाद का ब्रांड है चाय में, ठीक है। तो वाकई इनकी चाय ज़बरदस्त है यार। हम लोग समझते थे कि फैसलाबाद में सिर्फ जो हैं वो हमें यहाँ पे लोग जो हैं वो जुत्ते लगाने वाले और यहाँ की टेक्सटाइल जो है वही फेमस है या नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ताल्लुक इस शहर से है, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना वो खानों का भी थोड़ा शौक़ रखते हैं। यहाँ के लोगों को पकवान भी पसंद है और हमने आपको डिफरेंट जो है वो खाने शाने जो हैं वो दिखाए हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोगों ने किस तरह से वो टिक्की अंडा टिक्की जो है वो इन्जॉय की और चाय अब हमने पी है। दोनों चीज़ें जो हैं वो लाजवाब मज़ेदार और इसी तरह हम आपको फैसलाबाद के खाबे शाबे जो हैं वो दिखाते रहेंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान के दिखाते रहेंगे। तो आप लोगों ने जो इस तरह के फूड पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे हैं वहाँ पर जाके ज़रूर उन्हें ट्राई करना है क्योंकि वो लोग मेहनत करें सपोर्ट करें उन्हें हमारे अपने लोग हैं और काफ़ी मेहनत के बाद वो खाना तैयार करते हैं और जिस तरह से वो टेस्टी लजीज किस्म की डिश बनती है वो बहुत ही लाजवाब है। तो मैं चाय पीता हूँ, चाय इंजॉय करता हूँ और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सुहेल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।